नमस्कार दोस्तों, बजट 2023 अब हमारे सामने है और इस बजट 2023 से मध्यम वर्ग की या जनता जनार्दन की जो एक्सपेक्टेशंस थी उनमें से एक एक्सपेक्टेशन थी कि कहीं ना कहीं बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में कोई और बेनिफिट मिले और सरकार ने कुछ बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट न्यू स्लैब रेट के क्लेम करने वाले असेसीज को दिया भी है। इस वीडियो के थ्रू दोस्तों मैं आपके समक्ष बजट 2023 के थ्रू स्लैब रेट्स में क्या चेंजेस आए हैं और वो आपको किस प्रकार प्रभावित करते हैं ये बात संक्षिप्त रूप में रखने की कोशिश कर रहा हूं। अब दोस्तों कौन सी स्लैब रेट में परिवर्तन आया है ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप सब जानते हैं कि एक ओल्ड स्लैब रेट सिस्टम चल रहा था और एक न्यू स्लैब रेट सिस्टम भी सरकार द्वारा लागू किया गया और अभी भी ये दोनों स्लैब रेट सिस्टम लागू हैं क्योंकि ये बजट 2023 दोस्तों वित्त वर्ष 23-24 के लिए लागू होगा। आगामी वित्त वर्ष यानी असेसमेंट ईयर 24-25 तो भारत सरकार ने अभी भी ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम दोनों को लागू रखा है पर परिवर्तन कहां आया है वो आपके समक्ष अब अगली स्लाइड के थ्रू रखता हूं। दोस्तों जो चेंज आया है वो न्यू स्लैब रेट के अंदर आया है। बेसिकली ये न्यू स्लैब रेट जो कि सेक्शन 115 BAC से लागू की गई थी इसे एक सबसेक्शन 1A इंसर्ट करके बदला जाना प्रस्तावित है। नई स्लैब रेट क्या होगी वो आपके सामने रख रहा हूं, यानी पहले ही न्यू स्लैब रेट थी, इस न्यू स्लैब रेट में भी बदलाव कर रही है भारत सरकार और क्या बोला कि अगर आपकी टोटल इनकम अप टू 3 लाख होगी तो हम आपको टैक्स लायबिलिटी नहीं लगाएंगे, यानी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट न्यू स्लैब रेट के केस में 2.5 लाख से बढ़ा करके 3 लाख कर दी जा रही है। फिर यदि आपकी इनकम 3 लाख से ऊपर 6 लाख तक होगी तो आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। 6 लाख से ऊपर की टोटल इनकम पर 9 लाख रुपए तक की टोटल इनकम पर आपको 10% टैक्स देना होगा। 9 लाख से ऊपर 12 लाख रुपए तक की टोटल इनकम पर आपको 15% से टैक्स देना पड़ेगा। 12 लाख से ऊपर 15 लाख रुपए तक की टोटल इनकम यानी इंक्रीमेंटल इनकम पर आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा और दोस्तों 15 लाख से ऊपर की इनकम पर पूर्व की भांति आपको 30% रेट से टैक्स देना पड़ेगा। तो ये नई स्लैब रेट के जो ऑलरेडी अस्तित्व में आ गई थी नई रिजीम उस स्लैब रेट में भी चेंज भारत सरकार ने वित्त वर्ष 23-24 के लिए प्रस्तावित किया है। अब मेरी बात को और अच्छे तरीके से आपके समक्ष रखता हूं इस एग्जाम्पल के थ्रू कि दोस्तों वित्त वर्ष 22-23 जो प्रेजेंटली चल रहा है जिसका असेसमेंट ईयर होगा 23-24 और अब जो नया वित्त वर्ष आएगा 23-24 जिसका असेसमेंट ईयर होगा 24-25 कि अगर कोई व्यक्ति इन दोनों साल में न्यू स्लैब रेट में ही खड़ा है तो उसकी न्यू स्लैब रेट में फर्क क्या है कि पिछले साल तक यानी वित्त वर्ष 22-23 असेसमेंट ईयर 23-24 तक नए स्लैब रेट में ही 2.5 लाख तक नील 2.5 से 5 तक 5% और अगले हर 2.5 लाख पर 5% की इंक्रीमेंटल रेट ऑफ टैक्स लग रही थी। लेकिन अब सरकार ये कह रही है कि वित्त वर्ष 23-24 से हम आपको 3 लाख तक तो कोई टैक्स लगाएंगे ही नहीं न्यू स्लैब रेट में। 3 लाख से 6 लाख तक की टोटल इनकम यदि आपकी होगी तो हम आपको 5% टैक्स लगाएंगे। 6 से 9 लाख पर हम आपको 10% टैक्स लगाएंगे। 9 से 12 लाख की टोटल इनकम के हिस्से पर आपको 15% टैक्स लगाएंगे। 12 से 15 के बीच हम आपको 20% टैक्स लगाएंगे और उसके बियॉन्ड जो 15 लाख से ऊपर की इनकम होगी उस पर हम आपको न्यू स्लैब रेट में 30% टैक्स रेट लगाएंगे। तो देखा जाए तो ये एक 25% वाला स्लैब गायब हो गया। साथ साथ दोस्तों स्लैब रेट के जो मॉनेटरी लिमिट्स हैं उनमें भी चेंजेस कर दिए गए हैं। अब आता हूं दोस्तों मूल मुद्दे पर कि कंपेरेटिव टैक्स लायबिलिटी क्या होगी अंडर द न्यू स्लैब रेट के वित्त वर्ष 22-23 तक अगर कोई व्यक्ति न्यू स्लैब रेट ही ऑप्ट कर रहा था तो उसको कितना टैक्स लगता और अगर वो वित्त वर्ष 23-24 में न्यू स्लैब रेट में चलेगा तो उस व्यक्ति को उस असेसी को कितना टैक्स लगे ताकि आपको पता चल सके कि बजट 2023 से न्यू स्लैब रेट क्लेम करने वाले असेसी को पहले अगर वो न्यू स्लैब रेट में ऑप्शन में जाता तो कितना टैक्स लगता और न्यू स्लैब रेट में नए रिजीम में रहते हुए वो वित्त वर्ष 23-24 में सेम इनकम को ऑफर करेंगे तो कितना टैक्स लायबिलिटी लगेगा। फॉर एन एग्जांपल सर, अगर मैं बात करूं कि एक व्यक्ति को वित्त वर्ष 22-23 में 10 लाख रुपए की या 15 लाख रुपए की इनकम हुई तो वित्त वर्ष 22-23 में अगर उन सज्जन को 22-23 में 15 लाख तक की इनकम हुई तो 2.5 लाख तक उन्हें न्यू रिजीम में जीरो टैक्स, 2.5 से 5 तक 12.5 हजार, 5 से 7.5 लाख 25 हजार, 7.5 लाख से 10 लाख तक 37,500,
10 लाख से 12.5 लाख तक 50,000, 12.5 लाख से 15 लाख तक 62,500 का टैक्स लगता है, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल में माना है कि 15 लाख रुपए तक की टोटल इनकम है, इसलिए मैंने फॉर टाइम बीइंग अबव 15 जीरो टैक्स फिगर माना। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी उन व्यक्ति की आती है 1,87,500। अब सेम पर्सन यदि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में भी न्यू टैक्स रिजीम में ही रहते हैं तो उनको 3 लाख तक नील टैक्स लायबिलिटी, 3 से 6 लाख तक 5% के हिसाब से 15,000, 6 से 9 लाख तक 30,000, 9 टू 12 लाख 45,000 और 12 टू 15 लाख की इनकम पर 20% से 60,000 टैक्स लायबिलिटी आएगी। और क्योंकि मैंने अपने एग्जाम्पल में उनकी टोटल इनकम 15 लाख ही मानी है, इसलिए 15 लाख से ऊपर की इनकम पर टैक्स जीरो हुआ। तो फाइनल टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी 15 लाख की टोटल इनकम पर? पुराने ईयर वित्त वर्ष 22-23 तक ये टैक्स आता था सर 187,500, और अब अगर वो 23-24 में भी न्यू स्लैब रेट में जाते हैं तो उन्हें टैक्स आएगा 1,50,000। तो इसका मतलब हुआ कि भारत सरकार ने उन्हें टैक्स टैक्स में 37,500 रुपीज की छूट दे दी, सेम पर्सन को जो पहले भी न्यू स्लैब रेट में थे और वित्त वर्ष 23-24 में भी न्यू स्लैब रेट विद सेम टोटल इनकम होंगे। इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा कि ओके, ऐसा अपियर होता है कि न्यू स्लैब रेट लेने वाले व्यक्ति को 22-23 की अपेक्षाकृत 23-24 में कम टैक्स लायबिलिटी देनी पड़ेगी। अब दोस्तों एक कंपैरिजन चलते चलते और कर लेते हैं कि न्यू स्लैब रेट जो रिवाइज आई है जो कि वित्त वर्ष 23-24 से लागू होगी और ओल्ड स्लैब रेट जो पहले से लागू है जिसमें कोई परिवर्तन मैं कह रहा हूं भारत सरकार ने नहीं किया, उनमें क्या अंतर है वो भी एक बार आपको चार्ट फॉर्मेट में क्लैरिटी से देने की कोशिश करता हूं कि न्यू स्लैब रेट जो रिवाइज होगा वित्त वर्ष 23-24 ऑनवर्ड्स, उसमें भारत सरकार कह रही है कि हम 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लेंगे, 3 से 6 की इनकम के अगर आप लेवल पर हैं तो 3 तक 0, 3 से ऊपर 6 लाख तक 5%, 6 से ऊपर 9 लाख तक 10%, 9 से ऊपर 12 लाख तक 15%, 12 लाख से ऊपर 15 लाख तक आपको 20% और 15 से ऊपर आपसे 30% टैक्स लेंगे। लेकिन ओल्ड स्लैब रेट में क्या टैक्स लगता था? 2.5 लाख तक नील, 2.5 से 5 तक 5% और 5 से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से ऊपर 30%। मैं फिर रिपीट करता हूं दोस्तों कि ओल्ड स्लैब रेट में कोई रेट डिफरेंस नहीं आया। अंत में दोस्तों एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन जो आप सब मेरे से शायद उसका उत्तर पूछ रहे हो मनी मन, अनूप जी ये बताइए कि वास्तव में एज एन असेसी मुझे इस बजट से क्या मिला टैक्स सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों अनफॉर्चुनेटली सरकार का रवैया ओल्ड स्लैब रेट के प्रति अब नकारात्मक है, यानी भारत सरकार ये कह रही है कि हम ओल्ड स्लैब रेट को अब प्रमोट नहीं करेंगे, हम न्यू स्लैब रेट को प्रमोट करेंगे, यानी बाय डिफॉल्ट आप न्यू स्लैब रेट में आ जाएंगे। आपको ओल्ड स्लैब रेट में जाना है तो वित्त वर्ष 23-24 ऑनवर्ड्स आपको बोलना पड़ेगा, यानी अगर आप न्यू स्लैब रेट की ओर बढ़ते हैं तो आपको टैक्स में छूट निश्चित रूप से सरकार ने दी है। लेकिन आपको ये कंपेयर करना पड़ेगा रिटर्न भरते समय कि मेरी ओल्ड स्लैब रेट में टैक्स लायबिलिटी क्या है, न्यू स्लैब रेट में टैक्स लायबिलिटी क्या है, और फाइनली जो बेनिफिशियल हो वो ऑप्शन आपको क्लेम करना होगा। तो इन माय ओपिनियन यदि आप न्यू स्लैब रेट में जाना चाहते हैं तो भारत सरकार ने आपको बेनिफिट जरूर दिया, पर ओल्ड स्लैब रेट में भारत सरकार कोई विशेष बेनिफिट दे ही नहीं रही। तो इसका इंपैक्ट क्या होगा? एक प्रकार से दिस इज डिसहार्टनिंग टू दोज हु आर सेविंग देयर टैक्स लायबिलिटी बाय मेकिंग इन्वेस्टमेंट, बाय टेकिंग होम लोन, बाय मेकिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ द नेचर ऑफ ATC, ATCCD, NPS, etc. पर ये जो भी एक कंपैरिजन है मैंने इस वीडियो के थ्रू आपके समक्ष रखा, आई होप ये आपके लिए यूजफुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।